हेलो फ्रेंड्स दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस आज हम एनसीआर हिस्ट्री क्लास सिक्स का चैप्टर सिक्स कंटिन्यू करेंगे जो है किंगडम्स किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने विचार कमेंट करके बताएं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें चलिए शुरू करते हैं चेंजेस इन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में क्या क्या बदलाव हुए इसमें पहला बदलाव ये था कि लोहे की धार वाले हल का इस्तेमाल बढ़ने लगा इसका ये मतलब था कि लोग खेतों में जो पहले लकड़ी की धार वाले हल का इस्तेमाल करते थे वे लोग अब लोहे की धार वाले हल का इस्तेमाल करने लगे क्योंकि लकड़ी के धार वाले हल के मुकाबले लोहे की धार वाले हल से भारी चिकनी मिट्टी और ज्यादा बेहतर बन सकती थी इससे खेतों में पैदावार में बढ़ोतरी हुई दूसरा ये कि लोगों ने चावलों की रोपाई शुरू कर दी थी इसमें भी एक बदलाव आया जैसे कि पहले लोग बीजों को अपने खेतों में बिखेर देते थे जिससे कि पौधे उग जाते थे लेकिन अब लोग क्या करने लगे वह एक खेत में चावल के बीजों को बिखेर कर लगा देते थे और जब उनमें से 40 से 50 दिन में छोटे छोटे पौधे निकलते थे तब लोग उनको उखाड़ कर मेन फील्ड में लाइन से लगाते थे इस तरीके से उत्पादन में वृद्धि हुई क्योंकि इस तरीके से रोकने से अधिकतर पौधे नष्ट होने से बच गए इस तस्वीर में आप देख सकते हैं आयरन ये देखिए यहाँ महिलाएं धान की नई पौध को ट्रांसप्लांट कर रही हैं। इस काम में बहुत कमर तोड़ मेहनत की जरूरत होती थी ये भी कह सकते हैं कि ये बहुत थका देने वाला काम था आमतौर पर ऐसे पुरुष और महिलाएं जो गुलाम होते थे जिन्हें दास और दासी कहा जाता था और ऐसे कृषि मजदूर जिनके पास खेती करने के लिए भूमि नहीं होती थी जिन्हें कम्मा कारास कहा जाता था वे इस काम को करते थे एक क्लोजर लुक मगध चलिए मगध को करीब से देखते हैं करीब 200 साल के आसपास मगध बहुत महत्वपूर्ण महाजनपदा बन गया था अनेक नदियां जैसे कि गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी ये नदियां मगध के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। क्यों महत्वपूर्ण थी ए ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के लिए बी वाटर सप्लाईज यानी पानी की आपूर्ति के लिए और सी मेकिंग द लैंड फर्टाइल जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए मगध के कुछ हिस्सों में जंगल था जंगलों में रहने वाले हाथियों को बंदी बना लेते थे और उन्हें सेना के लिए प्रशिक्षित करते थे इन जंगलों से घर गाड़ी और रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिल जाती थी इसके अलावा इस क्षेत्र में आयरन और माइंस भी थी जो लोहे के मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए उपयोग की जा सकती थी। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे पहला बिंबिसारा और दूसरा अजात सत्तू जिन्होंने अन्य जनपदास पर विजय पाने के लिए सभी संभव साधनों का उपयोग किया महा एक और महत्वपूर्ण शासक था इसने उप महाद्वीप के नॉर्थ वेस्ट हिस्से तक अपना नियंत्रण बढ़ाया राजगृह जिसे वर्तमान में राजगीर कहते हैं और जो बिहार में है यह बहुत सालों तक मगध की राजधानी थी बाद में पाटली पुत्र राजधानी हो गई जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है तेईसों से अधिक साल पहले एक शासक हुआ करता था जिसका नाम अलेक्जेंडर था जो यूरोप में मैसेडोनिया में रहता था वह दुनिया को जीत कर विश्व विजेता बनना चाहता था बेशक अलेक्जेंडर ने दुनिया को तो नहीं जीता लेकिन इजिप्ट और वेस्ट एशिया के कुछ हिस्सों को जीत लिया और फिर वह भारतीय उपमहाद्वीप में आया वह बीस नदी के किनारे तक पहुंच गया जब उसने ईस्ट वर्ड्स की तरफ बढ़ना चाहा, तो उसके सोल्जर्स ने आगे बढ़ने से मना कर दिया वे डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने भारत के शासकों के पास पैदल सैनिकों की विशाल फौज रथ और हाथियों की विशाल सेना के बारे में सुन रखा था गन इज यूज फॉर ए ग्रुप डेट हैज मैनी गन शब्द एक ग्रुप यानी समूह के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें अनेक सदस्य होते हैं संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन संघ शब्द का मतलब होता है संगठन या संस्था ए क्लोजर लुक वज्जी चलिए वज्जी को करीब से देखते हैं जब मगध एक बहुत शक्तिशाली राज्य बन गया उस समय में वज्जी जिसकी राजधानी थी वैशाली जो आज बिहार में है एक अलग प्रकार की सरकार के अधीन था जिसे गण या संघ कहा जाता था गण या संघ में कोई एक नहीं बल्कि बहुत से शासक होते थे कभी कभी जब हजारों लोग एक साथ शासन करते थे तो हर एक को राजा के रूप में जाना जाता था ये सभी राजा एक साथ मिलकर अनुष्ठान करते थे वे असम्बलीस में मिलते थे और तय करते थे कि हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए इसके लिए वे आपस में डिस्कशन करते थे और कभी कभी डिबेट का सहारा भी लेते थे यानी आपस में बहस भी करते थे उदाहरण के लिए यदि किसी दुश्मन द्वारा उन पर हमला किया जाता था तो वह इस बात पर चर्चा करने के लिए मिलते थे कि इस खतरे से निपटने के लिए क्या किया जाए हालांकि महिलाएं, दास जो लोग गुलाम थे और कम्माकारास कृषि मजदूर जिनके पास खेती करने के लिए भूमि नहीं होती थी वह इन असेंबलीज में हिस्सा नहीं ले सकते थे बुद्ध और महावीर दोनों गण या संघ से संबंध रखते थे संघ में जीवन के कुछ सबसे जीवंत वर्णन बोध पुस्तकों में मिल सकते हैं यह वर्जिश का एक लेख है जो प्रसिद्ध बोध पुस्तक दिगा निकाया से लिया गया है इस लेख में बुद्ध के कुछ भाषण शामिल हैं। ये लगभग तेईसो साल पहले लिखे गए थे अजात सत्तू एंड द वजिस अजात सत्तू वर्जिस पर हमला करना चाहता था अजात सत्तू ने अपने एक मंत्री जिसका नाम वसाकारा था उसे इस विषय पर सलाह लेने के लिए बुद्ध के पास भेजा बुद्ध ने वसाकारा से पूछा कि क्या वर्जिश लोगों से भरी हुई सभाओं में बार बार मिलते हैं जब बुद्ध ने सुना कि वे ऐसा करते हैं तो बुद्ध ने उत्तर दिया कि तब तक वज्जियों का विकास जारी रहेगा जब तक फर्स्ट जब तक वे पूर्ण और सार्वजनिक सभाएं करते रहेंगे सेकंड, जब तक वे आपस में मिलते रहेंगे और साथ में काम करते रहेंगे थर्ड वे स्थापित नियमों का पालन करेंगे फोर्थ वे बड़ों का सम्मान करेंगे उनका समर्थन करेंगे और उनकी बात सुनेंगे फिफ्थ वज्जी महिलाओं को बलपूर्वक पकड़कर नहीं रखेंगे सिक्स स्थानीय मंदिर जिसे चैत्य कहा जाता था वह कस्बों और गाँवों दोनों में बनाए जाएंगे सेवंथ जब तक वज्जीज द्वारा अलग अलग मान्यताओं का पालन करने वाले बुद्धिमान संतों का सम्मान किया जाएगा उन्हें देश में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने की और देश को स्वतंत्र रूप से छोड़ने की अनुमति दी जाएगी जितने भी शक्तिशाली राज्यों के राजा थे उन सभी ने संघ पर विजय पाने की कोशिश की फिर भी ये संघ बहुत लंबे समय तक रहे लगभग 1500 साल पहले तक लेकिन उस समय के बाद जो अंतिम गण या संघ थे उन्हें गुप्ता रूलर्स द्वारा जीत लिया गया एल्सवेयर चलिए अब एथेंस के बारे में पढ़ते हैं लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक सरकार बनाई जिसे लोकतंत्र कहा जाता था जो लगभग 200 सालों तक चली इस सरकार द्वारा 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी स्वतंत्र पुरुषों को पूर्ण नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त थी वहाँ एक असेंबली थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए एक साल में कम से कम चालीस बार मिलती थी सभी नागरिक इन असेंबलीज में भाग ले सकते थे इन असेंबलीज में बहुत से पदों के लिए लॉटरी के माध्यम से नियुक्तियां की गईं जो भी इस चुनाव में भाग लेना चाहते थे वे अपने नाम दे सकते थे इन्हीं में से कुछ लॉटरी द्वारा सिलेक्ट किए जाते थे नागरिकों से सेना और नौसेना में सेवा देने की उम्मीद की जाती थी हालांकि महिलाओं को नागरिक नहीं माना जाता था इसके अलावा बहुत से विदेशी जो एथेंस में रहते थे और व्यापारी और शिल्पकार के रूप में काम करते थे उन्हें नागरिक के रूप में अधिकार नहीं थे इसके अलावा एथेंस में कई हजार लोग थे जो दास थे और जो खानों खेतों घरों और कार्यशालाओं में काम करते थे उन्हें भी नागरिक नहीं माना जाता था स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स कुछ सेंटेंस दे रखे हैं हमें बताना है कि सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स ए राजास हु पास थ्रू दियर लैंड वर इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस जिन राजाओं ने अश्व मेध घोड़े को अपनी भूमि से गुजरने दिया उन्हें यज्ञ के लिए आमंत्रित किया गया यह ट्रू है बी द चेरियो टीयर स्प्रिंकल्ड सेक्रेट वॉटर ऑन द किंग साथ ही राजा पर पवित्र जल छिड़कता था यह फॉल्स है सी आर्क्योलॉजिस्ट हैव फाउंड पैलेसेस इन द सेटलमेंट्स ऑफ द जनपदास पुरातत्वविदों को जनपदास की बस्तियों में महल मिले हैं यह फॉल्स है डी पोर्ट्स टू स्टोर ग्रेन वर मेड आउट ऑफ पेंटेड को स्टोर करने के लिए बर्तन पेंट किए हुए ग्रेवियर से बनाए गए थे फॉल्स है। महाजनपद e, महाजनपदा महा में कई शहरों की किलाबंदी की गई थी ये ट्रू है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अपने विचार कमेंट करके बताएं और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग